सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से यानी तीरे के पास से 6 इंच पर या 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये निशान मैं 6 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ से इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर देते हैं, यानी इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं। फिर देखिए इस निशान से 0.5 इंच पर हम एक निशान और लगाएंगे और इसको भी हम इस तरह से सीधा कर देंगे। देखिए ये वाला निशान आप 6.5 इंच पर लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए ये हमारी 0.5 इंच की जो बीच में पट्टी है, इसको हम बीच में से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए 0.5 इंच हमारा ये हो जाएगा और जब हम इसकी कटिंग करेंगे 0.5 इंच हमारा इधर से फोल्ड होगा और 0.5 इंच इस साइड से फोल्ड होगा अंदर की तरफ को। तो इस तरह से हमारा ये हिस्सा हो जाएगा 1.5 इंच। अब हम इस पट्टी को इस तरह से अलग कर देंगे। देखिए 0.5 इंच हमारा ये फोल्ड होगा अंदर की साइड को और 0.5 इंच ये होगा। तो 1 इंच तो हमारे ये हो जाएगा और 0.5 इंच हमने बीच में से कटिंग किया है तो ये 1.5 इंच हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले हम इनको देखिए बिल्कुल सीधे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, इस हिस्से को भी और इस हिस्से को भी। और आप चाहें तो पहले इसके ऊपर प्रेस कर लें, लेकिन बिल्कुल सीधे ये फोल्ड होने चाहिए। देखिए इसके बाद हम एक नेट की पट्टी लेते हैं और ये नेट आप कुर्ती के कलर के भी ले सकते हैं और दूसरे कलर के भी ले सकते हैं। और इस पट्टी को आप डबल करके भी लगा सकते हैं और सिंगल भी लगा सकते हैं। देखिए मुझे इसको डबल लगाना है इसलिए मैंने इसके ऊपर डबल करके सिलाई लगाई हुई है ताकि ये अपनी जगह सेट रहे। और देखिए हमारी ये जो नेट की पट्टी है, क्योंकि हमें इसकी जो तैयार चौड़ाई है वो 1.5 इंच चाहिए, हमें बीच की पट्टी 1.5 इंच रखनी है, लेकिन हमारा 0.5 इंच इधर से सिलाई में जाएगा और 0.5 इंच इधर से। तो इस तरह से कम हमें 1 इंच ज़्यादा लेनी है, यानी इसकी चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है। और देखिए यहाँ से 1.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को बिल्कुल इस तरह से सीधा कर देंगे, यानी इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। देखिए इसके बाद हम अपनी नेट की पट्टी लेते हैं, उसको भी बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपना नीचे का हिस्सा भी इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और ऊपर का हिस्सा भी। तो देखिए ये हमारा जितना सिलाई में दबना है उस तरह से हम इसको इस तरह से रखते हैं, जितना हिस्सा अंदर दबेगा पहले यहाँ पर। और ये हमारे जो बंद हिस्से हैं ये बिल्कुल इस तरह से आपस में मिलने चाहिए। और देखिए ये हमारे जो हमने निशान लगाया है ये निशान है, और नेट पर थोड़ा ये निशान कम दिखाई देता है तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। और देखिए हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी है, पहले हमें इस तरह से रखनी है। इस तरह से रखते हुए पहले हम यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे, जिस तरह से हमारे आर्म होल की कटिंग होती है। और इसके बाद हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम देखिए इस तरह से 0.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इधर से छोड़ देते हैं और इतना ही इधर से, यानी ये हमारा मुड्ढों की सिलाई में जाएगा। और इसके बाद इस निशान से हम करीब 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और देखिए जैसे ये हमारा यहाँ तक 13 इंच है, और सपोज करिए आपकी ये दूरी 13 इंच से थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी कम होती है, तो आप उसी हिसाब से ये निशान थोड़े छोटे या बड़े कर सकते हैं ताकि सारे निशान हमारे बराबर आए। देखिए ये निशान आप पेन से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम चौक से निशान लगाते हैं
तो वो मिट जाते हैं नेट के ऊपर से, वो दिखाई नहीं देते। तो देखिए ये निशान मैंने पेन से लगा लिए हैं, और ये निशान लगाने के बाद जैसे यहाँ पर हमारा निशान लगा हुआ है, यहीं से बिल्कुल सीधा करके, क्योंकि हमें इसकी दूरी ये 1.5 इंच रखनी है, तो देखिए 1.5 इंच हमें इस तरह से रखना है, और बिल्कुल इसके सामने इस तरह से एक निशान लगाएंगे, फिर इस निशान के सामने इसी तरह से देखिए 1.5 इंच की दूरी पर ये निशान लगाएंगे इस तरह से। तो आप इस तरह से ये निशान लगाते चले जाइए। देखिए हमने ये जो निशान लगाए हैं इनके ऊपर हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे बिल्कुल सीधी। इसके बाद हम डोरी बनाते हैं और उसमें से हम छोटे छोटे पीस करेंगे। एक पीस की लंबाई कम से कम 2.5 इंच होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम एक एक निशान के ऊपर अपनी डोरी के पीस इस तरह से रखते जाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से देखिए एक साइड से इस तरह से सिलने के बाद हमारे देखिए दूसरी साइड भी ये लाइन खींची हुई है और निशान लगे हुए हैं। हमें क्रॉस क्रॉस करके इनका डिज़ाइन बनाना है इस तरह से। देखिए हमारा एक निशान ये है, एक ये है, तो हमें इस तरह से देखिए इनको इस तरह से क्रॉस में रखते जाना है और इस लाइन के ऊपर सिलाई लगाते जाना है इसी तरह से, ऐसे। देखिए इस तरह से पहले हमें क्रॉस बना लेना है और इन निशानों के ऊपर इस तरह से हमें डोरी रखनी है और तब हमें सिलाई लगानी है इस तरह से, और फिर हमें दूसरा क्रॉस बनाना है। देखिए हमारा एक निशान ये है इस तरह से, और एक निशान ये है, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस बनाना है और उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम सबसे पहले इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे और पहले एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए नीचे के हिस्से को भी इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और देखिए जैसे मैंने प्रेस से कपड़ा अंदर की साइड को मोड़ा हुआ है, अगर आप ऐसे नहीं मोड़ सकते तो आप इस पर इस तरह से मोड़ के पहले कच्चा कर लें, और जब आप ये सिलाई लगाएं तो ये ध्यान रखें हमारी ये जो बीच की पट्टी है इसकी चौड़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। कहीं से आपको कम या ज़्यादा लगे तो उसी हिसाब से आप इस पट्टी को इस तरह से सीधे रख लें और तब इसके ऊपर सिलाई लगाएं। ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनेगा। इसके बाद हम इसके ऊपर बोट नेक बनाएंगे, और ये मैंने देखिए बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 5.5 या 5 इंच रख सकते हैं और इसकी लंबाई आप 5 इंच रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। बोट नेक की चौड़ाई हम 4.5 इंच रखते हैं, तो ये निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे, और बोट नेक की गहराई हम 3.5 इंच रखते हैं, तो ये निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे, और इनको देखिए यहाँ पर भी एक निशान हम 4.5 इंच का लगाएंगे और इनको इस तरह से मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से शेप देंगे। ये शेप देने के बाद हम यहाँ से करीब 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम दोनों निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देते हैं।
ये कटिंग करने के बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं, और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा अपना ये गला रखिए और प्रेस से इसको चिपका लीजिए। और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से बुकरम इस तरह से रखिए और यहाँ पर एक बड़ी करके सिलाई लगा दें। प्रेस से इस तरह से चिपकाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर किनारी से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इसके बीच में यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, उसमें भी हम इस तरह से बीच में एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद इन दोनों कट को इस तरह से मिलाते हुए और इन लाइनों को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है हमारी ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसके बाद हम अपने गले को इस तरह से फोल्ड करते हैं और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर चाहें तो प्रेस कर लें। इसके बाद हम गले के किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हमारा गला तैयार हो गया है और हम इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे। और इसी तरह से ये देखिए ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ गला बनाया है। आपको जो भी पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। One, 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 one,